जैसे कि आप देख पा रहे हैं जम्मू की अगर मैं बात करूं यहाँ पे बीएचई डेली वेजर्स जो हैं वो प्रदर्शन लगातार काफी दिनों से कर रहे हैं और अगली मुहिम इनकी क्या होने वाली है क्योंकि प्रदर्शन इन्होंने अलग अलग प्रकार से किया है और आज बजरंग दल का इन्हें समर्थन भी मिला है और इसी के साथ आप देख सकते हैं तमाम जितने भी लोग हैं वो जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने का कार्य कर रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें इनकी क्या कुछ आगे की तैयारी रहेगी इनका क्या कुछ आगे का रहेगा तो इन्हीं से बातचीत करके जरूर जानेंगे कि रजौरी जाने को लेके इनकी क्या कुछ प्लानिंग है और आगे प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाएगा। सर आज आप ही तमाम डेली वेजर्स के सपोर्ट में आए हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जिस प्रकार से एक लंबे अंतराल से डेली वेजर सड़कों के ऊपर है इन्होंने कई प्रकार एजिशन की कई बार इनको लेकिन कोरे आश्वासन सरकार की तरफ से देकर इनको चुप करा दिया गया लेकिन कभी भी इनको उस मुहिम को जो है सफल नहीं होने दिया जो इनकी मांग है। ये हमेशा एक ही मांग करते रहे कि इनको रेगुलाइज किया जाए इनको पक्का किया जाए लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर जो है बातचीत जो है वो सरकार की तरफ से नहीं की गई है। अब लंबे अंतराल से ये तकरीबन 3.25 महीने से लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं और ये मांग लेकर कि इनको पक्का किया जाए लेकिन ना तो इनके पास कोई बातचीत करने आया ना ही किसी ने इनको पक्का करने की जो है वो पहल की। अभी यूटी सरकार से हम ये अपील कर रहे हैं कि यूटी सरकार जो है ये निर्णय ले सकती है इनको पक्का कर सकती है वही निवेदन आज हम जो है यूटी सरकार से करने आए हैं और यूटी सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि ये आंदोलन जो है धीरे धीरे जन आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। अभी कई प्रकार कई सभा सोसाइटियों का कई संगठनों का कई पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन जो है वो डेली वेजरों को मिलना शुरू हो गया है। जब इनका समर्थन मिल रहा है तो ये आंदोलन जन आंदोलन की तरफ चल रहा है। अगर ये जन आंदोलन हुआ तो सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करेगा इसलिए जन आंदोलन होने से पहले सरकार इसको रोके और इन डेली वेजरों को पक्का करने का काम करे क्योंकि जिस प्रकार से इनको कोरे आश्वासन दिए गए हैं वो कोरे आश्वासनों से कि इनका पेट नहीं भरेगा इनके बच्चों का पेट नहीं भरेगा इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इनके बच्चे घरों में बैठे हैं 72 महीनों की इनको सैलरी नहीं दी गई है। त्योहारों का सीजन है ये किस प्रकार से त्योहार मनाएंगे किस प्रकार से अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे ये तो सारा दिन यहाँ पर देखिए इन्होंने एक पुण्य का काम करने का काम किया हुआ है कि जब से ये लगे हैं ये देश के अंदर लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर ये कहा गया है कि जो पानी पिलाता है वो पुण्य का भागी होता है उनको पुण्य प्राप्त होता है ये कौन सा पुण्य जो है वो सरकार इनको दे रही है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे समर्थन जो है तमाम संगठनों की तरफ से यहाँ पे मिल रहा है और जो आपके पीएचई डेली वेजर्स के जो प्रधान है उनसे भी जरूर बातचीत करेंगे कोशिश करेंगे जानेंगे वो जो रजौरी जाने को लेके बात कर रहे हैं उसको लेके क्या कुछ तैयारियां इन्होंने की हैं क्योंकि अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं कुछ ही दिनों में उनका जम्मू कश्मीर में आगमन होगा तो सर रजौरी जाने वाली जो बात की जा रही है ये क्या कुछ है? मैम रजौरी जाने का जो मकसद है जैसे हम पिछले 97 दिन से लगातार अपना संघर्ष कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का जो भी प्रशासन है इन्होंने तो आज तक सीरियसली लिया नहीं यहां तक कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने भी 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने तो आपका मसला हल कर दिया जाएगा लेकिन आज तक 2 साल के बाद मसला ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है इसीलिए इन लोगों से अब हम इनको भरोसा नहीं कर सकते और ये कहीं ना कहीं जब केंद्र भी कभी कोई डेली वेजर के डाटा इनसे कलेक्ट करने की कोशिश करता है तो ये गुमराह करते हैं ये उनको बताते हैं ये पुरानी सरकारों ने लोग लगाए हैं बिना किसी प्रोसीजर के लगाए हैं तो इसीलिए हमने रजौरी चलो का नारा दिया कि हम खुद उस रैली में शामिल होंगे इन लोगों का विरोध करेंगे वहां पे नारेबाजी भी होगी मुर्दाबाद के नारे भी लगेंगे आखिर कम से कम वो इनको पूछें तो सही कि ये लोग हैं कौन जो नारे लगा रहे हैं। जैसे कि आपने सुना यहाँ पे साफ शब्दों में क्या दिया गया है कि अगर या तो साथ दो या तो विरोध प्रदर्शन का सामना करो यहाँ पे अमित शाह जी जो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आने वाले हैं उनकी रैली चाहे वो 1 तारीख को होगी चाहे वो 4 तारीख को होगी वो जब भी आएंगे तमाम प्रदर्शन जो है डेली वेजर्स की तरफ से वो जरूर किए जाएंगे। अब कितनी जल्दी इस मसले का हल होगा या फिर इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन होंगे देखने वाली बात होगी आगे की तमाम जानकारी भी आपको जरूर पहुंच जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत कैमरामैन गगन के साथ धन्यवाद।
जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में मशहूर सियाती मुकाम गुलमर्ग में हज़ारों की तादाद में दिन भर सयाह यहाँ पर रुक कर रहे। वहीं लगातार हम कई दिनों से देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सियाती मकाम के साथ साथ गुलमर्ग, पहलगाम, सनमर्ग, द्रंग, टंगमर्ग की बात करें, यहाँ पर लगातार सयाहों का तांता बना हुआ नजर आ रहा है। वहीं जब भी हमारी यहाँ पर सयाहों से बात होती है तो कहीं ना कहीं वो यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के लोगों की खूब तारीफ करते हुए नजर आ रहे। वहीं यहाँ पर आज हमारी कुछ सयाहों से बात हुई, काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। उम्मीदें यही की जाती है गुलमर्ग के अलावा यहाँ पर और भी कई ऐसी डेस्टिनेशन से यहाँ पर आम जनता की तरफ से ही जो है डिमांड रखी जा रही है कि इन एरिया को जो है सियाती नक्शे पर तो लाया गया है लेकिन इन्हें जो है अपग्रेड करने की जरूरत है। वही अगर हम यहाँ पर सियाती मुकाम गुलमर्ग के दामन में बात करें, यहाँ पर कुछ ऐसे भी डेस्टिनेशन से रंगमर्ग की बात करें, गोगलडूर की बात करें, बद्रकूट के ऊपरी साइड की अगर से बात करेंगे, चूंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे हिडन डेस्टिनेशन है जो खूबसूरती के लिहाज से जो है चार चांद और भी सियाहत में लगा सकते हैं। उम्मीद यही की जाती है कि महकमे सियाहत जो जल्द इन सियाती मुकाम को जो है गुलमर्ग की तरह अपग्रेड करेंगे ताकि यहाँ सियाहत में भी मजीद इजाफा देखने को मिलेगा। वही जो पढ़े लिखे नौजवान है कहीं ना कहीं उनके रोजगार में भी जो है दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आपको सीधे टंगमर्ग ले चलते हैं और टंगमर्ग से दिखाते हैं कि क्या करें यहाँ पर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, सर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से है, वास्तव में बहुत मनोरंजक लायक जगह है, देखने वाली जगह है सर, यहाँ सबको आना चाहिए। हम लोग सभी यात्रियों से निवेदन करेंगे कि आप लोग आए एक बार घूम करके कश्मीर से जाए कि पूरा दिल खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही मनोरंजक जगह है, देखने वाली जगह है, घूमने वाली जगह है सर। तो सबसे ज्यादा क्या एक्सपीरियंस रहा आपको वादी कश्मीर में? कश्मीर में इस समय बहुत शांति माहौल है, घूमने लायक जगह है, बहुत सुंदर जगह है। तो क्या मैसेज रहेगी पूरे देशवासियों के लिए? पूरे देशवासियों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग आइए एक बार कश्मीर घूम के जाइए, बहुत ही मनोरंजक लायक जगह है। जय कुमार यादव, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हम लोग आए हैं। कैसा लगा गुलमर्ग में? गुलमर्ग में बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत राहत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा है, साफ सफाई है, यहाँ का स्थानीय जनता का बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है। मेरा भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश प्रांत से आने वाले पर्यटकों से ये निवेदन है कि आप जब भी आएँ तो गुलमर्ग एक बार जरूर घूमने आएँ, यहाँ बहुत अच्छा जगह है, बहुत खूबसूरत। जिस तरह से बाहर के मीडिया में यहाँ के हालात के बारे में दिखाया जा रहा है तो आपको वैसा लगा यहाँ? नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं लगा, यहाँ बहुत शांति प्रिय जगह है, यहाँ वैसा कुछ नहीं है जी। तो क्या मैसेज रहेगा पूरे देश? मेरे पूरे देशवासियों के लिए है, कश्मीर बहुत अच्छा जगह है और मैं पूरे भारतवासियों से निवेदन करूंगा जो पर्यटक हैं वो एक बार जरूर गुलमर्ग घूमने आएं। हैंडलूम हर साल जानकारी कैंप मुनाकिद करता है, इसी सिलसिले में इस साल हमने 2-3 कैंप्स मुनाकिद किए। इसे इनका एक ही मुद्दा मकसद होता है कि जो भी आर्टिजन्स हैं दूर दराज इलाकों में जो रहते हैं, जिनको स्कीम्स और डिपार्टमेंट की बाकी पॉलिसीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है, हम उन्हें बता दें कि क्या कर रहा है डिपार्टमेंट, उनके लिए क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो हमने आज इस खान साहब में ये कैंप मुनाकिद किया था तो यहाँ पे लगभग 200 के करीब आर्टिजन आए थे जिनको हमने बता दिया कि हमारा डिपार्टमेंट उनके लिए क्या कर रहा है। और उस हम क्या करते हैं कि इन ऐसे कैंप्स में हम बाकी सारे जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी बुलाते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाए थे वो अपने डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो कि आर्टिजन के लिए बेहतर। सर 2013 पे स्कीम सीख चलान मे वस 10 कौर सेंटरस मन मे ये बला खान सबनस मन हैंडीक्राफ्ट दफ्तरस मे सेंटर मे खेत फायदा मगर बह पचसन तथा मे हाव डिपार्टमेंटन वह तेज वे लोन कड़ लोन तम दिवान डिपार्टमेंट वल मगर थोड़ा बैंक वल पत् यह गारंटर सोजा मतलब झारान तथा मे थोड़ा प्रॉब्लम गान नतिया फायदा मेले मे अत हालांकि मे तौर पर स्टेट एवॉर्ड तो बहुत स्टेट एवॉर्ड खर बे तैयारी करा तह द्रे ओत फॉर्म तथा आयस बे लिस्टस मतलब मतलब आज है बेरोजगारी आज गवर्नमेंट नौकरी मिलान कहें आज लिखित पढ़ित अद बिजनेस पे अस थोड़ा बहुत मदद करें गाइडेंस करें तिकाजी यम मतलब काम करान हेचनान तम तान पे फायदे खेन तम गम तकन हेचनान इतना मे हेचना कौर अम स बेरोजगारी दूर गित पास बहुत यहां तम कौर तस् ब्रो ग तम तटेट एवॉर्ड नीन। हम 2 साल से तिलक काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो बाकी हैं वो बहुत सालों से कर रहे हैं, तो हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें कोई हेल्प करे, हम भी आगे जाए, हम भी इंडिपेंडेंस रहे। बहुत अच्छे मैसेज मिले, जो आज का प्रोग्राम भी था इससे भी हमें बहुत कुछ मिला। जी जो घर में भी बैठे हैं हम उनको भी बोल रहे हैं अगर हमें कुछ मदद करते तो उनको भी, हम उनको भी बोलते हैं कि कुछ सीखो, इंडिपेंडेंस रहो, अपने पाँव पर खड़े हो जाओ क्योंकि दूसरों पर डिपेंड मत रहो। इसलिए उनको भी हम बोलते हैं कि आप भी कुछ काम सीखे, इतने सारे गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनको देखो और उन पर चलो। बहुत सारे फायदे हैं आर्टिजन्स को, अगर हम जैसे लोन को अप्लाई करेंगे तो लोन आएगा, तो हम अपने कारोबार जो है बढ़ाएंगे, तो फिर हम बहुत अच्छा आएगा। تہد شکر گزار یم تہ اس یوتن یوان چھو بوزناوان چھو لکھ چھو وک بوزناوان گھر پتہ گھر چھو واتان علاقس من چھو پھیران واریا شکر گزار چھ امس کم کن اس کہ تہد اس سوشل میڈیا چھ امچ کت چھ واتان اس ہور تامت بڑ اکن چھ دکھ واریا دکھ اس سون قالین اس لچھس مز گسان دون لچھن مز اس گسان مگر سہ چھن ونکن دہن ساسن مز تہ گسان کی یس محنت اس تیتا کران اس یس ہینڈی کرافٹس یم امک شال اس بناوان کانیو شال اس بناوان واریہ چیز اس بناوان امک یم بیرونی ممالکن اس گسان تہ تم اس بڑ پسند کران اس تہ اس دل گسان خوش تمن تہ اس دل گسان خوش ہنس مز یہ اس آسان امہ سان ماج بینہ یس تہ ات ست وابستہ اس تم اس پن خون آسان یمو اتھ مز چوسمت تو سو اس چیز بناوان سو اس خوش گسان مے چھ ات روپیہ دہ تران تہ پنہ محنت چھم تران مگر کیہ وری گئی یت اندر ات کن توجہ آو نہ دن کیہ بیئی یم امک آفیسر یم امک یہ یم کارگزار یم چلاوان چھ ات تمن آس یم سکیم ون یل یمن ون چھ اس دمو روپیہ لچھ ات پیٹھ اس دمو روپیہ زٕ لچھ ات پیٹھ اس دمو پانژھ لچھ مگر تم چھ بچاری پتہ یوان سدہ وری تم چھ روپیہ ہتھ انان کنہ جائیں پانژھ ہتھ انان گسان دفتر پر دفتر پھیران مگر تمن چھ کانہہ تہ واتان امک فائدہ کہ تم ونکن چھ زمانہ ونکن چھ اصول دور کہ سوشل میڈیا اس امکہ پاس گھ تم پریت کن جائیں پریت کن دفتر گھ تم پریت دہ کر کہ ہسا تہ ہسا چھ فلان جائیں چھو یہ کار فلان جائیں چھو وزامت امک یہ بدل یہ کار اخت آس من اگر مین فنڈس آسن یمن ضرورت یہ مین یم ڈسٹرک آفیسر یم یم ونان اس پنہ علاقہ مے فنڈس بہ ہیکہ یمن دھت تم تمہ مز فنڈس مگر بی اگر کن تہ جائیں یمن بینکس مز یہ پرابلم یا کن جائیں کن تت جائیں یہ پرابلم بینکس مز یہ پرابلم ہینڈی کرافٹ دفترس مز یہ پرابلم کن تہ جائیں یہ پرابلم بہس یمن ست بہت دوش بہ دوش کہ اگر یمن کن تہ جائیں مین ضرورت پی فون کران یم بہ واتہ یمن گھر بہ گھس یمن بہ کر یمن مدد اصل پاٹھ بستی ضلع بڈگام کے خان صاحب ٹاؤن ہال میں آج جو اسٹیٹ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس کی طرف سے ایک ون ڈے اویئرنیس کیمپ لگایا گیا اور جہاں پر آرٹیزن جو یہاں پر شال اور کانی ورک جا ہے اس میں آری کرافٹ سے جڑے ہوئے آرٹیزنز نے یہاں پر حصہ لیا اور یہاں پر ایس ڈی ایم اور ڈی ڈی سی جو یہاں پر ہیں خان صاحب کے انہوں نے بھی یہاں پہ شمولیت کی اور یہاں پر جو ہے ہم نے آرٹیزن سے بھی بات کی جس میں کچھ سٹیٹ ایوارڈ بھی تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ جب بھی کوئی جس میں نیا یوتھ آتا ہے تو اس کو جو ہے فائنینشیل اسسٹنس کی اشد ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب اس کو جے کے بینک کی طرف سے یا کوئی بھی بینک اس کو مالی معاونت کرتا ہے تو پھر اس کا جو یہ پروجیکٹ ہے آگے چلتا ہے تو اس پر جو ہے آج یہاں پر زیادہ زور دیا گیا کہ لومز ہے یا چاہے کہیں پر بھی کانی شال کا ورک ہے یا کہیں پر شالز کا ورک ہے آری کامی کا ہے یا تلا ورک ہے تو وہ تبھی چل سکتا ہے جب اس کو تھوڑی سی مالی معاونت ہو اور جو پی ایم ای جی پی ہیں یا ڈی آئی سی جو بھی لونز دیتے ہیں تو وہ ہیسل فری ان کو ملنا چاہیے جے کے 24/7 کے لیے میں بڈگام سے ظہور حسین میں ہوں آپ کے ساتھ جمشید ملک بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بڑی خبر آ رہی ہے کہ امیت شاہ کے دورہ راجوری کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ امیت شاہ کا دورہ راجوری کو یہ 1 اکتوبر کو ہونا تھا وہ پوسٹ پون کر دیا گیا اور نئی تاریخ 4 اکتوبر بتائی گئی ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کا دورہ 4 تاریخ کو ہوگا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جاپان کے پی ایم کی موت کے کارن یہ دورہ کینسل کیا گیا اور اس کی نئی تاریخ 4 اکتوبر بتائی گئی ہے حالانکہ امیت شاہ کے اس دورے کو لے کر راجوری کے اندر بڑے پیمانے پر تیاریاں سیکورٹی کے حوالے سے بھی چل رہی تھی آج صبح سے بھی ڈویژنل کمشنر جموں جو راجوری میں تھے اس کے بعد ڈی جی پی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس راجوری کا دورہ کیا انہوں نے آج انہوں نے حالات کا جائزہ لیا سیکورٹی کا جائزہ لیا اور نیو بس اسٹینڈ کا بھی دورہ کیا جہاں یہ ریلی ہونی تھی اور اس کے بعد اس وقت بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے کہ امیت شاہ کا جو دورہ 1 اکتوبر کو تھا وہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے اور اس کی نئی تاریخ 4 اکتوبر بتائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جاپان کے پی ایم کی موت کے کارن
कारण ये दौरा पोस्टपोन किया गया और इसकी नई तारीख 4 अक्टूबर बताई जा रही है। हालांकि इसके बावजूद राजौरी की बात करें या पुंछ के अंदर बात करें, भाजपा की तरफ से लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। इस वक्त भी सुरनकोट के अंदर भाजपा के रियासती सदर रविंदर रैना की एक हंगामी मीटिंग भी चल रही है। उसके साथ साथ वहाँ भी ये ऐलान कर दिया गया है कि ये दौरा 1 को नहीं बल्कि 4 तारीख को होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस दौरे के मुतल्लिक बताया जा रहा है कि जापान के पीएम की मौत के कारण इस दौरे को पोस्टपोन किया गया। हालांकि दौरे के लेकर लगातार तैयारियां राजौरी के अंदर देखने को मिल रही थी, जहां सिक्योरिटी के जायजा लेने के लिए आज सुबह डीजीपी दिलबाग सिंह ने राजौरी का दौरा किया, डिविजनल कमिश्नर ने आज सुबह राजौरी का दौरा किया और न्यू बस स्टैंड को पहले ही खाली करवा दिया गया था। और ये बड़ी खबर इस वक्त आप सामने आ रही है कि अमित शाह का दौरा जो राजौरी को 1 अक्टूबर को होना था वो इस पोस्टपोन कर दिया गया और उसकी नई तारीख 4 अक्टूबर बताई गई है। सेंट्रल कश्मीर के गांधरबल में सबसे बड़ा इशू था जो पिछले 35 सालों से चल रहा था, वाइल्ड ब्रिज। आज हम आपको वाइल्ड ब्रिज की जो हकाइक है, ये वाइल्ड ब्रिज आखिरकार 35 सालों के बाद किस तरह बना, 2021 में इसका काम स्टार्ट हुआ और 35 सालों तक यहां के लोगों ने कितने ठोकर खाए और दो दिलों को मिलाने वाला आज की डेट में, जिस टाइम जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख था लेकिन आज यूटी लेह है और यूटी कश्मीर है। लेकिन सवाल है कि दो दिलों का मिलाने वाला ये ब्रिज 35 सालों में नहीं बन सका। 1987 में जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, उन्होंने इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली थी, लेकिन उसके बाद वही हुआ था जो कश्मीर के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनको वही टाटा बाय बाय किया था। और आज की डेट में 2021 में इसका काम स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका काम इतना जल्दी से हुआ कि इस साल के आखिर में इनकी जो कंसर्न एजेंसी है और इनका कंसर्न जो ठेकेदार है, उन्होंने रिसेंटली डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और चीफ इंजीनियर आरएनबी ने ये अपडेट दिया है कि इस साल के आखिर में या 2024 के इनिशियल में इस ब्रिज को तैयार किया जाएगा और गाड़ियों को इसके मतलब क्रॉस करने की हिदायत मिलेगी। लेकिन सवाल है कि 35 सालों के बाद वाइल्ड ब्रिज बना, लेकिन जो जमीनी हकाइक है इस ब्रिज के वजह से कितने लोग परेशान थे, गांधरबल पूरा डिस्ट्रिक्ट, करगिल, लद्दाख, नागबल से लेकर नोबरा तक, खुरदुंगला तक, और पूरी तरह से यहाँ पे दो दो घंटे आज भी अगर देखा जाए तो शाम को जो कंगन वाले हैं, सब डिवीजन के लोग हैं, उनको 1 घंटा यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है। आज की डेट में उससे तासुरा लेंगे कितने खुश है यहाँ के लोग। शरीफुद्दीन वानी मेरे साथ है जो लोकल भी है और इसके साथ साथ इसको यहाँ पे एक विष्णु देव ढाबा भी चलता है पिछले 25 साल से, उसको इसकी जमीनी हकाइक पता भी है। शुक्रिया सलीम साहब, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ गुलिस्तान न्यूज़ की, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ अगर उस वक्त वो स्टोरी नहीं बनाती शायद एडमिनिस्ट्रेशन तक वो मतलब इस पुल की बात में लोगों का जो मसाइल थे वो नहीं पहुंचते। अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त आपने बहुत अच्छी स्टोरी बनाई, हर वक्त महीने में एक एक दो दो बार आप स्टोरी बनाते थे। ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी काम जो थी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जो दो सब डिवीजन कंगन और जैसे गांधरबल में दोनों को मिला था, ऊपर आप अगर देखेंगे तो लद्दाख तक, या यात्रा के टाइम पे या टूरिस्ट के टाइम पे कितना मुसीबत था यहाँ, मतलब हर वक्त दो दो घंटे होता था। फिर जब सेना साहब आ गया और उस वक्त वो मैडम थी यहाँ, मैडम ऑन ग्राउंड मतलब यहाँ पर भी आई एक दो बार, इनके साथ जो यहाँ कंट्रैक्टर है इनके साथ बात की मैडम ने बोला नहीं इस काम में थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि यहाँ लोग बहुत तकलीफ में हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने भी दिन रात काम करके मतलब अब इस स्टेज पर पुल पहुंच गया कि मुझे लगता है कि हमारे इलाके में इससे बड़ी खुशी कभी नहीं होगी जब वाइल्ड ब्रिज, मतलब ये एक सपना था बहुत, मतलब जब हम बच्चे थे, मैं भी तकरीबन 20-25 साल से मैं भी देख रहा हूँ यहाँ कंगन वालों को कितना मुसीबत होता था शाम को सवेरे, मतलब अब वो बेचारे रूट ही चेंज करते थे जब यहाँ पर जाम लगता था। ये थे शरीफुद्दीन वानी, आपने देखा दाद भी देना चाहिए इन मजदूरों को क्योंकि रात के 12 बजे तक काम करते हैं, लेकिन वाइल्ड ब्रिज आखिरकार बना 35 साल के बाद।
1987 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर थे उसने फाउंडेशन स्टोन डाली थी, लेकिन उसके बाद वही था कि मीटिंगों के साथ बिजी रहे, लेकिन 35 साल तक इस वाइल्ड ब्रिज को किसी ने आज तक ये नहीं चाहा कि ये वाइल्ड ब्रिज बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बार गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल ने 2021 में ये चीज़ दिखाया। और हाल ही में जो डिप्टी कमिश्नर गांदरबल है मिस्टर शम्बीर, वो आते ही उसने 2 महीने के बाद यहाँ पे विजिट किया चीफ इंजीनियर आरएनबी के साथ, और ये हिदायत दी गई कि इस ब्रिज को टाइम से इनाग्रेशन होनी चाहिए। और अब लोगों का बेबसी से इंतज़ार है, ये वायल ब्रिज December 2022 या 2023 के इनिशियल में ये वायल ब्रिज इनाग्रेट होगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी है इस इलाके के लिए और पूरे कश्मीर के लिए। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, वायल गांदरबल, कश्मीर। जम्मू कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला आपको बताते चले कि जिस तरह से एक स्कीम निकाली गई है, एमनेस्टी स्कीम, तमाम बिजली उपभोक्ताओं की बात करें जो डोमेस्टिक पर्पस में बिजली जो है वो इस्तेमाल में लाते हैं, उनके लिए स्कीम ये है कि उनके जो पिछले बिल हैं बिजली के 31 मार्च 2022 तक के जो पेंडिंग बिल्स हैं उसमें 100% इंटरेस्ट जो है वो माफ़ किया जा रहा है। आपको अब वो जो बिल पे करने हैं उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, और वो बिल जो है वो आपको 12 किस्तों में जमा करवाना है, और 31 मार्च 2022 के बाद तक जो बिल है वो आपको इन बिटवीन जो है वो जमा करवाने हैं। तो ये स्कीम जो है वो काफ़ी लाभदायक हो सकती है। क्या कुछ क्राइटेरिया है, किस तरह से ये स्कीम इंप्लीमेंट होने जा रही है, ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है AEPDD डिपार्टमेंट अजय पॉल जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना लाभ जो है वो उपभोक्ताओं को होने वाला है, ये जो 100% इंटरेस्ट माफ़ करने की जो स्कीम एमएनएसएस स्कीम जो है वो लाई गई है। तो आपसे जानना चाहूँगा कितना फ़ायदा इस स्कीम का होने वाला है, जो लगातार बिजली के बिल जो वो काफ़ी पेंडिंग जा रहे थे, लेकिन अब प्रशासन ने फैसला लिया कि इसमें एमनेस्टी स्कीम लाकर ये इंटरेस्ट को माफ किया जाए, वीव ऑफ किया जाए, और उसके बाद जो बिल जमा कराए जाए। क्या कुछ स्कीम है, कितना लाभ लोगों को होने वाला है? ये सर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास काफ़ी बार लोग आते हैं जो हमें कहते हैं कि हम इतना बिल दे नहीं सकते, हमारा थोड़ा माफ़ कर दिया जाए। तो अभी मैं शुक्रिया अदा करूँगा ऑनरेबल LG साहब मनोज सिन्हा जी का, जिन्होंने ये स्कीम लाई है डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए, और उन्होंने ये बहुत दूरंदेशी का फैसला लिया है कि अगर कोई गरीब बंदा एक साथ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे कर सकता तो वो 12 किस्तों में इसको पे करे। ये 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। 1 अक्टूबर 2022 से आपको 2 बिल आएंगे, एक एमनेस्टी का बिल आएगा जिसमें 31 मार्च 2022 तक इंटरेस्ट जो भी है वो सारा वेव ऑफ करके प्रिंसिपल अमाउंट का बिल दिया जाएगा। तो लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि पहले हमारे पास ऐसा कोई भी रूल नहीं था जिसके तहत हम लोगों को कोई बेनिफिट दे सकते थे, लेकिन अब LG साहब की ये फैसले से हम लोगों का इंटरेस्ट माफ़ करके उनको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो उन्होंने बिजली खर्च की हुई है उसके पैसे देने पड़ेंगे, और ये बिल इनका काफ़ी कम हो जाएगा। तो 12 किस्तों में ये देना है सितंबर 2023 तक। अच्छा, तो ये इम्प्लीमेंटेशन कब से हो रही है इस एमएनएसएस स्कीम की? ये हमारे पास 4 अक्टूबर से बिल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी बंदा अगर हमारे ऑफिस में 4 अक्टूबर से आके बिल लेना चाहे तो वो ले सकता है, नहीं तो हमारे मीटर रीडर्स के थ्रू घर घर में बिल पहुंचा भी दिया जाएगा। और मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से लगातार बिजली के बिल जो पेंडिंग जा रहे थे, और प्रशासन कई बार बीच में ऐसा सुनने में आ रहा था कि कड़े फैसले ले सकता है कि उनके कनेक्शन जो वो काट दिए जा सकते हैं, क्या जिस तरह से 12 इंस्टॉलमेंट ये में जो बिल आपने जमा करवाना है तो इसमें कंटिन्यूसली हर महीने आपको 12 इंस्टॉलमेंट में जमा कराना है, इसको लेकर कोई अलग से क्राइटेरिया बनाया गया? ये ऐसा कहा गया है कि अगर कोई इकट्ठा बिल जमा नहीं करवा सकता तो वो 12 किस्तों में करवा सकता है। अगर कोई जल्दी भी करवाना चाहता है, सपोज करो किसी का बिल बहुत कम हो जाता है और उसके पास पैसे हैं, वो 2 किस्तों में 3 किस्तों में 4 किस्तों में भी जमा करवा सकता है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं निकाल सकता पैसों की तो वो 12 किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके ये पेमेंट कर सकता है। तो क्या कुछ आगे इसके बाद भी अगर नहीं कोई बिल अपना पे करता तो क्या कुछ कार्रवाई जो है वो विभाग की तरफ से की जाएगी? ये लास्ट चांस दिया जा रहा है, जो कि पहले भी एमनेस्टी स्कीम जो कभी भी आई थी 1 महीना या 2 महीने के लिए आती थी, ये स्कीम इस तरह से आई है कि 12 महीनों में आपको आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे जमा करवाने हैं। जो कोई गरीब व्यक्ति है वो भी इसमें पैसे जमा करवा सकता है, और जिसने पैसे जमा नहीं करवाए इस स्कीम के बाद भी तो उसको जहाँ तो पेनल्टी पड़ेगी या फिर उसकी डिस्कनेक्शन हो जाएगी, कोर्ट में केस जाएगा, ये डिपेंड करता है हायर अथॉरिटीज क्या इंस्ट्रक्शंस देती हैं हमें। तो आज इस तरह से तमाम सांबा के अगर कॉर्पोरेटर्स की बात करूं, उनके साथ आपकी एक मीटिंग हुई है, अवेयरनेस एक मैसेज जो वो तमाम लोगों को देने की कोशिश की गई है, तो क्या कुछ उनका सहयोग आपको मिल रहा है?
हमारे इधर सांबा के जो कारपोरेटर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं और सहयोगी हैं। कुछ लोगों को कुछ डाउट्स थे तो ये हमने एक अवेयरनेस कैंप रखा था जिसमें कि सांबा के सभी कारपोरेटर्स, सांबा सिटी के कारपोरेटर्स को बुलाया गया था और उनको इस स्कीम के बारे में डिटेल में समझाया गया ताकि वो आगे लोगों तक मैसेज पहुंचा सके हमारा। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे AEE सांबा PDD डिपार्टमेंट अजय पॉल जी, जो विस्तार से जानकारी दे रहे थे एमनेस्टी स्कीम की, जो अक्टूबर महीने से जो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी और जिनके पेंडिंग बिल्स हैं 31 मार्च 2022 से पहले वाले उसमें 100% इंटरेस्ट माफ़ हो जाएगा और जो अगले बिल हैं वो इन रूटीन चलते रहेंगे। और अगर ये इसके बाद भी अगर बिल नहीं पे किए तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है, कनेक्शन कट सकते हैं। लेकिन जो ये स्कीम लाई गई है ये काफ़ी लाभदायक होने वाली है, उसी को लेकर लगातार जागरूक भी लोगों को किया जा रहा है कि जल्द से जल्द अपना ये जो बिल है वो जमा करा दें और 12 किस्तों में आपने ये बिल जमा कराना है तो काफ़ी लाभदायक है, आप भी इसका फ़ायदा लें स्कीम का और डिस्कनेक्शन से आप बच सकते हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि कुजूरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए।